देख रहे हैं समाचार टी चैट। बांसी तहसील क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक गांव के सिवान में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे खेतों में खड़ी करीब 1500 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। अचानक लगी आग से किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। किसानों की मेहनत से उगाई गई फसल की बर्बादी का ये नजारा बांसी तहसील के पाला गाँव का है। खेतों में लगी इस विकराल आग को ग्रामीण अपने संसाधन से बुझाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। मंगलवार को अचानक खेतों में आग लग गई। जब तक कोई कुछ समझ पाता, आग ने विकराल रूप लेकर करीब 1500 बीघा गेहूं की पककर तैयार फसल को अपने आगोश में ले लिया। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। जब तक अग्निशमन की गाड़ी पहुंचती, दर्जन भर गांव के सैकड़ों किसानों के अरमान टूट चुके थे। मौके पर पहुंचे एडीएम बासी ने कहा कि आग के कारण का पता लगाया जा रहा है और फसल के नुकसान का आंकलन कर किसानों को उनकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। समाचार डिटेल के लिए सिद्धार्थ नगर से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। और हमारे गांव में कम से कम नेर बॉर्ड के करीब 350 बीघे की फेरी पलगतवा में चल गया है, जो कि इसमें गंगाराम और सर्वेनाथ चौबे और क्या कहते हैं पीटर चौबे और कई लोग मौजूद हैं, बालक दर दुबे, इन सब का किसानों का कम से कम 10-10 बीघा नेर बॉर्ड चला है काफी मात्रा में। इतने बड़े क्षेत्र में आग लगी है तो लगभग कितना गेहूं जला होगा? नियर अबाउट हमारा अंदाजा कि 1800 बीघे से ऊपर जो है हमारा 8 बीघे का क्षेत्र जल गया है। खाने के लाले पड़ गए हैं। 8 ही बीघा हमारे पास था, सब जल के खाक हो गया है। ये करीब एक दर्जन गांव इसमें चपेट में लिए हैं और ये मिठवल के पास कोई गौरा गांव और पाला गांव है, उधर से सुनने में आ रहा है कि उधर से इसी के डंठल जलाए, उसके कारण ये काफी इलाके में आग फैल गई। ज्यादातर फसल कट गई थी, कुछ जगह फसल बाकी भी थी, सर्वे करा रहे हैं और जिसके खेत से या जिसके द्वारा आग लगाई गई उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर कितने गेहूं जलने का अनुमान होगा? एस्टीमेट नहीं लगा सकते हैं, एस्टीमेट लगाने के लिए लेखपालों को लगा दिया है, क्योंकि अभी अभी सर्वे करा लेंगे, इसके बाद ही सही अनुमान लग सकता है। काफी संख्या ऐसा अनुमान है और उसका हम सर्वे करा के मंडी से कल्याण बीमा योजना के तहत, दुर्घटना योजना के तहत उसकी कार्रवाई।